नमस्कार। अपने पहले लेक्चर में हमने गुरुत्व के नियम और उससे संबंधित कई पक्षों के बारे में चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं कि मूलभूत बल और उनसे होने वाले इंटरैक्शंस में गुरुत्वाकर्षण वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने जैसे देखा कि ये उन फोर्सेस में से है जो कि हम कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, विच एक्ट एट अ डिस्टेंस। तो इसके काम करने के लिए जो सोर्स है उसका ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके के फोर्सेस को हम फील्ड के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, बहुत आसानी से हम ये शब्द यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। वो हम इसीलिए यूज़ कर पाते हैं क्योंकि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस अप्लाई होता है। तो इस टाइप के फील्ड्स से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण क्वांटिटीज़ होती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी। दरअसल वो ये वेक्टर क्वांटिटी इस फील्ड का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेज़रमेंट हम किस तरीके से करें, ये क्वांटिटी ये निर्धारित करती है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक रिस्पेक्टिव स्केलर पोटेंशियल होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं फिज़िक्स में कई सारे वेरिएबल्स वो वेक्टर्स हैं और बहुत से वेरिएबल्स स्केलर्स हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स करने लगते हैं तो हम जानते हैं कि स्केलर्स से डील करना थोड़ा सा आसान है बजाय कि वेक्टर्स से, क्योंकि हमें दिशा के बारे में सोचना नहीं होता है। तो हम आगे का डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे ही स्केलर वेरिएबल से, समथिंग नॉन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे ग्रेविटेटिंग सोर्सेस, जैसे कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें, अर्थ और उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सिस्टम्स की बात करें, तो अगर हम देखें कि अर्थ यानी कि सोर्स के बहुत पास के रीजंस जहां पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, वहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। और मे बी अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें कि अगर सेपरेशन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिराइव किया जाएगा, इसके एक्सप्रेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। सो लेट्स derive the expression for gravitational potential energy, and for this let's take an example of an object of mass m which is moving along vertical axis, either in downward direction or in upward direction. So let's say during downward direction it starts its motion from here. So this point is the initial point. So let's tag its displacement from ground with y1, and at later instant, let's say here its displacement was y2. So here you can see that the main force acting on the object is its weight, which always acts downward towards earth. So it is the direction of this force. And if any other forces are present, like air resistances or any other forces which are in the opposite direction of this force, all of them we are tagging vector sum of all of them with F other. So first of all, we will calculate the work done by this force, which is weight of the object, for this displacement y1 to y2. अगर हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं जिसने कि अपनी गति इस मोमेंट से शुरू की, इसकी प्रारंभिक अवस्था जो थी, इसका प्रारंभिक जो पोजीशन था उसको हमने y1 से टैग किया, और कुछ समय बाद इसकी जो पोजीशन है उसको हमने y2 से टैग किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर लगने वाले इसके वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसने इस डिस्प्लेसमेंट में जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा था, नीचे की ओर गति कर रहा था, वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ गति कर रहा था, तो कितना काम किया, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वर्क डन विल बी सिंपली जस्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इज वेट ऑफ बॉडी, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एंड बोथ ऑफ देम आर इन सेम डायरेक्शन, सो देर इज नो अदर फैक्टर्स आर देयर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मोशन की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन
फोर्स के डायरेक्शन के सिमिलर है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एक्चुअली पॉजिटिव. तो ये जो क्वांटिटी है, ये इक्वेशन फर्स्ट में जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है इज पॉजिटिव. सिमिलरली अगर आप अपवर्ड मोशन के लिए देखें, जबकि ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ से अपना मूवमेंट शुरू करता है, इसका जो इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक जो पोजीशन है, उसको अगेन हम वाई वन से टैग करते हैं. इस पोजीशन को हम कह रहे हैं वाई वन. और लेटर इंस्टेंट पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी अपर हाइट पे पहुंच गया है. और लेट से इसका अप पोजीशन y2 है. अगेन फोर्सेस यहां पर जो प्रेजेंट हैं इज ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी एंड ऑल अदर फोर्सेस आर डेजिग्नेटेड बाय f अदर, लाइक वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर प्रेजेंट फोर्सेस इफ देयर आर एनी. तो अगर इसके लिए भी अगर हम इस तरीके का वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करें तो सिमिलर एक्सप्रेशन हमें मिलता है. इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं. तो सिमिलर एक्सप्रेशन हमें मिलता है. ओनली द डिफरेंस इज कि इस केस में वाई टू इज मैग्नीट्यूड ऑफ वाई टू इज एक्चुअली ग्रेटर देन वाई वन अपवर्ड मोशन के दौरान. तो अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म इज एम जी मल्टीप्लाइड बाई वाई वन, वाई वन विच इज इनिशियल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन एट फर्स्ट मोमेंट. एंड सेकेंड टर्म इज एम जी वाई टू. एम जी इज सेम लाइक फर्स्ट टर्म, बट वट इज द डिफरेंस हेयर, दैट डिफरेंस इज दिस सेकेंड पोजिशन, दिस एट लेटर मोमेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट हमें मिलता है कि क्या हम एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करें, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि एम जी को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ में हमें मिले. और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दरअसल क्या बता रहा है, ये फंक्शन बता रहा है प्रोडक्ट इस फोर्स का और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का किसी टाइम टी पर. तो अब अगर इस वेरिएबल की हेल्प से, इस वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फिर से रिविजिट करें तो हम देखते हैं कि एम जी वाई वन को हम कह सकते हैं, और इसको हम टैग भी कर देते हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यू ग्रैव ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट दिस एम जी मल्टीप्लाइड विद वाई वन इज दिस फंक्शन एट फर्स्ट पोजिशन. सिंपली विद अ सिंपल एनालॉजी वी कैन एस्टैब्लिश दिस. एंड सिमिलरली फॉर एम जी वाई टू वी कैन राइट दिस फंक्शन एट सेकेंड पोजिशन. सो यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को दोबारा लिखना चाहें तो वर्क डन जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है तो वर्क डन इज एम जी वाई वन को हमने लिख लिया दिस फंक्शन एट फर्स्ट पोजीशन यूजिंग दिस इक्वेशन, और एम जी वाई टू को हमने लिख लिया दिस फंक्शन एट सेकेंड पोजीशन. अब अगर ये कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, अभी हम इसके सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को ही ध्यान में रख रहे हैं, सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन को देख रहे हैं, तो अगर ये एक फंक्शन है और यहाँ पर हम देखें कि एक पोजीशन पर इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है दूसरे पोजीशन पर इसकी वैल्यू से. अब अगर इस मोशन के लिए मैं पूछूं कि इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, तो डाउनवर्ड मोशन में इसकी इनिशियल पोजीशन y1 थी. तो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड सब्ट्रैक्शन फाइनल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो जब भी हम लेट से कि हम इस मोशन के दौरान चेंज इन दिस फंक्शन, वट एवर फंक्शन इज दिस, वट विल बी चेंज इन दिस फंक्शन ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम वाई वन टू वाई टू, वी कैन से दैट इट विल बी
इट्स वैल्यू एट फाइनल पोजीशन, फाइनली इसका वैल्यू क्या था, और माइनस इनिशियली इसका वैल्यू क्या था. ये जो भी क्वांटिटी होगी इसी को हम बोलेंगे चेंज इन दिस फंक्शन ड्यूरिंग दिस मोशन. तो अब अगर इस डेफिनेशन को हम क्लब करते हैं इक्वेशन नंबर 5 के साथ में, तो हम देख सकते हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है दैट वर्क डन, व्हाट वाज दिस डब्ल्यू ग्रेव, दिस डब्ल्यू ग्रेव वाज वर्क डन बाय द फोर्स वेट विच इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम y1 टू y2. सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी सिंपली विद नेगेटिव साइन चेंज इन दिस फंक्शन फ्रॉम y1 टू y2, एंड दिस एस्टैब्लिशेस दिस फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन, एज एन इम्पॉर्टेंट स्केलर फंक्शन विच रिलेट्स द वर्क डन और गवर्निंग फोर्स देयर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब जब भी हम, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब इस टाइप की एक इक्वेशन होगी जहाँ पर वर्क डन को हम रिलेट करते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ में, तो हमेशा एक माइनस साइन, हमेशा एक नेगेटिव साइन इसके साथ में रहेगा. इट इज़ एसेंशियल इन दिस एक्सप्रेशन. दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट सपोज अपवर्ड मोशन कर रहा है, जब उसका जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ में बढ़ता है, तो अगर इसका हाइट, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड, तो अगर इसका हाइट ग्राउंड से बढ़ रहा है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स सिस्टम का बढ़ा है. तो अपवर्ड मोशन के दौरान इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और जबकि डाउनवर्ड मोशन के दौरान ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. तो इसी चीज़ को जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंट की वजह से मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली है, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी एज्यूम्ड वाज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट सो फार फ्रॉम अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस से बहुत दूर नहीं है, इसीलिए हम उसके वेट को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो अब ये तो बात थी कि जब हमने बात किया वर्टिकल मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली मूव कर रहे हैं दैट मीन्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वो मूव कर रहे हैं. तो अभी इसी चीज़ को अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें इसको जनरलाइज करना होगा. सो नाउ लेट्स जनरलाइज द डिस्कशन. एंड इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी टुक द एग्जाम्पल, वी एज्यूम्ड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. But what happens if this is not the case? So in that case, we found out that the expression for gravitational potential is simply multiplication of body's weight and its height above ground, above reference point. So, but when you talk about Earth's gravitational force, अब हम जब पृथ्वी पर और उसके आसपास की वस्तुओं की गति की बात कर रहे हैं इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो पृथ्वी की वजह से लेट्स से कि उस M मास के ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा अगर वो अर्थ से बाहर उसके सेंटर से लेट्स से R डिस्टेंस पर है. तो अब लेट्स से दिस इज़ आर अर्थ एंड दिस रेफरेंस सेट समवेयर नियर सेंटर ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ दिस अर्थ इज ME. लेट्स से हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं ME, और किसी समय पर ऑब्जेक्ट इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है. तो
पृथ्वी की वजह से इस स्मॉल मास एम पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो सिंपली एक्सप्रेशन इज न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा जी एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ये आर, अगर ये डिस्टेंस अर्थ की सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इफ़ इट इज़ सफिशियंटली लार्ज, इफ इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, वो इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होता है. तो अगर हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, थ्रू आउट अप टू इन्फिनिटी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये हम जानते हैं. तो ऐसे केसेस के लिए फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को किस तरीके से हम जनरलाइज करें, ये हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे. अगेन हमारा जो तरीका है वो सेम रहेगा प्रीवियस एग्जांपल की तरह. सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, लेट्स से कि ये एम मास का जो ऑब्जेक्ट है अर्थ से बाहर, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आर वन डिस्टेंस से आर टू डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है और इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं. तो सपोज एक इंस्टेंट पर इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो आर वन है और लेटर इंस्टेंट पर इसका जो डिस्टेंस है वो आर टू है. दिस डिस्टेंस इज आर टू. सो व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन by the gravitational force due to earth on this mass m while it is moving from this distance r1 to r2. जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में r1 दूरी से r2 दूरी तक मूव करता है, मोशन करता है, तो कितना काम हुआ उसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो सिंपली दिस सिस्टम इज नॉट अ डिस्क्रीट सिस्टम, नाउ इट इज़ अ कंटिन्यूस सिस्टम. अब हम फील्ड की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं. तो अब हमें सिंपली इसको हमें सम करना होगा. और जब हम कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस सिस्टम्स के लिए सम करते हैं तो दैट मीन्स वी विल हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रल नाउ. और इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करते हुए अब हमें ध्यान देना होगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वजह से, ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा. दैट मींस कि अगर हम इस डायरेक्शन को फिक्स करें, इसको अगर हम अपना रेडियल डायरेक्शन कह रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन इज डायरेक्शन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर. ऑब्जेक्ट को मास अर्थ के सेंटर से कनेक्ट करेंगे और इस लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन कहेंगे. तो अब रेडियल कंपोनेंट के फॉर्मेट में इस डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं. इट कैन बी रिटन लाइक आर वन टू आर टू एंड जस्ट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड देन जस्ट द रेडियल डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड देन वी हैव summed it over R1 to R2. Continuous है system, तो हम यहाँ पे integral use कर सकते हैं. So now this FR is obviously this gravitational force acting on this mass M due to presence of Earth, but always directed towards Earth. So a negative sign would be there. So if it is equation number third, let's say this is equation number fourth, let's club this definition here. इस definition का use करते हुए देखते हैं कि integral यहाँ पर जो expression है हमारा work done का, ये क्या बनता है. So this W grave would be then minus R1 to R2 and G M E M by R square d R. और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को, सो दिस डब्ल्यू ग्रेव वुड बी माइनस जी एम ई एंड एम, ये सभी कांस्टेंट ट्रीट किए गए
एंड दिस इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2 एंड dr बाय r स्क्वायर. सो 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रल अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिंपली दिस वुड कम लाइक माइनस 1 बाय r. सो दिस माइनस साइन गोज अवे. सो हेयर इट विल बी 1 बाय r R1 टू R2. देन दिस W ग्रेव वुड बी GMEM 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर 1. सो दिस वुड बी द वर्क डन. अब थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन की तरफ हम ध्यान देते हैं कि ये जो वर्क डन है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो कि इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम R1 टू R2. यहाँ पर हम एक्सप्रेशन को देखें तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं और फर्दर जो टर्म्स यहाँ पर अपीयर होते हैं सिर्फ R1 और R2 के फॉर्मेट में हैं. दैट मीन्स कि अगर हमें R1 पता है इफ़ वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस इट्स इनिशियल पोजिशन If we know the magnitude of its final position, we simply know the work done. Work done इस बात पर depend नहीं कर रहा है, ये प्रश्न यहाँ पर matter कर ही नहीं रहा है कि ये object R1 से R2 तक किस तरीके से पहुँचा है, किस path को follow करते हुए पहुँचा है. It can be a straight line, it can move like from R1 to R2 following this straight line. और इफ समवन सेज दैट इट हैज फॉलोड दिस पाथ, अगर कोई कहे कि नहीं इस ऑब्जेक्ट ने एक कर्व पाथ फॉलो किया था R1 से R2 तक जाने में, तो उसका भी यही यहाँ कोई जानकारी हमें नहीं है. अगर हमें R1 और R2 हमारे सेम हैं विद इन टू लिमिट्स, इफ दिस R1 R2 आर फिक्स्ड, दिस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड वुड बी सेम. तो फिर अगर हम रिकॉल करें मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल को, सो देयर आर सम फोर्सेस कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दीज फोर्सेस नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस और संरक्षी बल जिन्हें हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस की बुक्स में, तो इन बलों का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंस है कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज एक्चुअली पाथ इंडिपेंडेंट. तो अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में वर्क डन का एक्सप्रेशन इस तरीके से मिल रहा है, सो इट इज़ अ प्रूफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जिसमें कि हमने वर्क डन को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया था और हमने कहा था कि एक नेगेटिव साइन इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एसेंशियल. सो टू कंप्लाई विद दिस डेफिनेशन, इसको यहाँ पर फिट होने के लिए, इस केस में अगर हम अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखना चाहें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस केस में होगा माइनस GMEM divided by R. So this is the general expression for gravitational potential energy. So if the system, यहाँ पर हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की है तो यहाँ पर सोर्स मास जो है एम ई से दिखाया गया है, बट अदरवाइज वट एवर इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट मास ऑफ दैट सोर्स वुड कम हेयर. यहाँ पर उस सोर्स का मास अपीयर होगा एज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस एम वुड बी द मास ऑफ टेस्ट मास विच इज़ मूविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस सोर्स मास. अब एक छोटा सा कॉरोलरी इसके साथ में विद दिस डिस्कशन, समथिंग कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. सो
सो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट्स के मोशन की बात कर रहे हैं और लेट्स से हम एक प्रोजेक्टाइल के मोशन की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम कहते हैं तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फ्री फॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दिया एंड देन सब्सिक्वेंट इंस्टेंट पर उसका मोशन कैसा है उसको हम देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाता है और फाइनली ये एक जगह पर रुकेगा, इट वुड स्टॉप समवेयर। तो अब एस्केप वेलोसिटी के केस में हम बात कर रहे हैं उन केसेस की कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या एक मिनिमम वेलोसिटी ऐसी हो सकती है जो ऑब्जेक्ट को दिया जाए तो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट दरअसल इन्फिनिटी पर जाकर, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं, इन्फिनिटी पर जाकर रुके। तो देखते हैं कि मैथमेटिकली अगर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने लेट से एक इनिशियल वेलोसिटी वी किसी प्रोजेक्टाइल को दिया जो कि वॉज सफिशियंट टू हैव द काइनेटिक, सच काइनेटिक एनर्जी दैट दिस प्रोजेक्टाइल कैन मूव अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर जाकर रुका ये, तो इन्फिनिटी पर जाकर, लेकिन तब इसकी काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर जाकर ज़ीरो हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब हम पोटेंशियल एनर्जीज की बात करते हैं एक्सप्रेशन 7 को अगर हम देखें तो इट हैज़ अ इनवर्स रिलेशन विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर ये आर इन्फिनिटी को टेंड होगा तो उस लिमिटिंग पॉइंट पर इस u का वैल्यू ज़ीरो होने वाला है और इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो ग्राउंड एनर्जी। सो व्हेन दिस r वुड टेंड टू इन्फिनिटी दिस u वुड एक्चुअली टेंड टू ज़ीरो। फॉर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी वुड ऑल्सो टेंड टू ज़ीरो। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो हमें ये बताता है कि जब इस तरीके का वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को दिया गया तो इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड गो टू जीरो एट इन्फिनिटी। सो अगर इस एक्सप्रेशन को हम यूज करें तो यहां से वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन जो आता है दैट इज, इसको थोड़ा सा अगर हम रीएडजस्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है 2gme डिवाइडेड बाय r एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, टिपिकली फॉर अर्थ सिस्टम। सो अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर me अपीयर हो रहा है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट सिस्टम, मून और सम अदर ग्रेविटेटिंग सिस्टम, सो मास ऑफ दैट सोर्स, उस सोर्स का ही मास फिर यहाँ पर अपीयर होगा। तो दैट मीन्स कि अगर सिर्फ हमें सोर्स का मास पता हो, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमें सोर्स का मास पता है और डिस्टेंस पता है तो हम, और बल्कि जब हम इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं। तो अगर हमें ग्रेविटेटिंग सोर्स के स्ट्रक्चर पता है, उसका रेडियस पता है और उसका मास पता है तो हम एस्केप वेलोसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ग्रेविटेटिंग सिस्टम के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल डिस्कशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। एंड अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की, अगर हम ग्रेविटेटिंग जो सिस्टम्स हैं उनको टिपिकल थ्री डायमेंशनल सिस्टम्स लें एज अ रिंग और स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर, तो उनके ग्रेविटेशनल फील्ड को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट पोटेंशियल को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं एंड व्हाट फिजिकली इट ऑल टेल्स अस अबाउट।